एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को धनिया के बारे में बताऊंगी कि धनिया कैसे उगाएं। ये जितना आसान है उतना ही ट्रिकी भी है। तो आज हम जानेंगे कि किन चीज़ों को अपनाकर, किन बातों को अपनाकर हम धनिया उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये धनिया मेरा 1 महीने पुराना है। और आपको मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि ठंड में धनिया बहुत अच्छा उगता है, लेकिन मैंने 3 बार कोशिश की धनिया उगाने की और तीनों बार मुझे सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि मैं तीनों बार फेल हो गई धनिया उगाने में। और ये दिसंबर से लेकर के जनवरी 2 महीने मैं लगातार कोशिश करती रही धनिया उगाने की, लेकिन धनिया नहीं उगा। जबकि सेम सीड था, सेम तरह से मैंने मिट्टी तैयार की थी और सब कुछ मैंने जितने एफर्ट करने थे मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा धनिया नहीं होगा। तो क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? मैं भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और मुझे जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी मैं पढ़ती रहती हूँ कि मेरा धनिया नहीं होगा, धनिया कैसे उगाएं, किस तरह से उसकी केयर करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। उसमें सबसे पहले मैंने जो देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत हद तक धनिया के मामले में मायने रखता है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर 17 डिग्री से लेकर 32-33 डिग्री तक हो, उस टेम्परेचर में आपका धनिया बहुत अच्छा ग्रो होगा। अगर आपने कोई मेहनत नहीं की है, सिंपल से मिट्टी तैयार की है, फिर भी आपका धनिया ग्रो होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो फिर धनिया में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जब ठंड का मौसम होता है, लोग कहते हैं कि ठंड में धनिया बहुत अच्छा ग्रो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका टेम्परेचर स्टेबल नहीं है, जैसे दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा धूप अच्छी खासी हो रही है और रात में बहुत ज़्यादा 10 डिग्री से ज़्यादा नीचे टेम्परेचर आपका गिर जाता है, उस कंडीशन में धनिया ग्रो नहीं होता है। तो अगर ये बातें आप लोगों को पता होंगी तो आप परेशान नहीं होंगे और सही टेम्परेचर का इंतज़ार करेंगे, जैसे मैंने किया है। 1 महीने पहले मैंने इसकी बुआई की थी, टेम्परेचर उस समय बहुत अच्छा था, ना बहुत ठंड थी ना बहुत गर्मी थी। और अभी आप देखें कि ये धनिया कितना हेल्दी और कितना बढ़िया है, और ये अभी आगे भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इससे मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलने वाली है। और ये मैंने देखे हैंगिंग बास्केट में तैयार किया है। जो मेरी जैसी जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो भी गार्डनिंग की शौकीन जो लोग हैं, इस तरह से हैंगिंग बास्केट में भी अपने बालकनी में या फिर जहाँ कहीं भी जगह, अगर छोटी सी भी जगह है तो वहाँ हैंग करके इसको लगा सकते हैं, अगर आपके पास जगह की कमी है तो। और इस तरह से आपका जो कॉर्नर है या जहाँ भी आप धनिया लगाएंगे, वो लस ग्रीन दिखेगा, सुंदर दिखेगा, और आप अपने किचन में उसका, इस ऑर्गेनिक धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो खैर, वैसे तो आप धनिया किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप डेप्थ छोटी रखें। ये जो है ये 4 इंच की रखें, और बड़े मुंह वाला टब भी ले सकते हैं, ग्रो बैग भी ले सकते हैं। मुझे हैंगिंग बास्केट ही बनानी है, तो मैं इसी में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि मेरा 2-3 हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाए, जिससे कि आपको थोड़े थोड़े अंतराल में ये धनिया आप हार्वेस्ट करते जाएंगे, आपका दूसरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह की हैंगिंग बास्केट दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए देखें, और मैं हैंगिंग बास्केट में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिट्टी नहीं बना रही हूँ, बहुत नॉर्मल मिट्टी बना रही हूँ। तो ये मैंने इसके यहाँ पे छेद को कवर करने के लिए ये कपड़ा डाला है, क्योंकि हम हैंगिंग बास्केट में कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के मिट्टी के इसमें बहुत सारे छेद हैं, तो इसको ढकने के लिए मैंने मिट्टी की ठिकरियों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उससे हैवी हो जाते हैं हमारे बास्केट। तो इस तरह से, ताकि मिट्टी बाहर ना निकल सके, बस हमें इससे पतले से कॉटन के कपड़े से इसको ढक देना है, और इससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत सही रहेगा, पानी आराम से निकल जाएगा। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने बहुत कम चीज़ों से आप इतना बढ़िया धनिया ग्रो कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने लिया है, ये मेरे गार्डन की सॉयल है जो बहुत ही भुरभुरी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। और यहाँ मैंने सरसों की
सॉरी नीम की खली है ये, नीम की खली इसलिए ताकि इसमें कोई भी फंगस ना लगे। बस इन्हीं तीन चीज़ों से मैं अपनी मिट्टी प्रिपेयर करने जा रही हूँ, वो चाहे मेरा हैंगिंग बास्केट हो, चाहे वो ग्रो बैग हो, किसी भी पॉट में। तो अब रेशियो क्या रखना है वो मैं बता देती हूँ। ये 70% हमें गार्डन सोयल लेना है, 30% हमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो इसके पत्तों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और नीम खली हमें मुश्किल से बड़े टेबल स्पून या मुट्ठी से एक मुट्ठी आप डाल दें तो काफ़ी है। देखें अब हम इसे इन तीनों को मिला लेंगे। चूँकि हमारा ये धनिया सीजनल होता है और कुछ टाइम के लिए ही होता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी मिट्टी फंगस से बची रहनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए बस, और इतनी ही नॉर्मल। इसमें हमें कोई बोन मील, कोई ऐसा कैल्शियम, वो सब जितने भी रिक्वायरमेंट हैं वो हमारे वर्मी कंपोस्ट से पूरे हो जाते हैं। और चूँकि हमें सीड नहीं लेना इससे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा केयर करने की। इस मिट्टी को अब हम इसमें भर लेंगे। इतना भरने के बाद थोड़ी मिट्टी हम बचा के रखेंगे, उसका हम सीड डालने के बाद इस्तेमाल करेंगे। वो देखें वो कैसे करेंगे। हमने मिट्टी भर ली, अब हम इसमें सीड लगाएंगे। और आपको सीड दिखा दूं मैं, ये कटे हुए सीड हैं। और मैं एक और आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, ये हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन आप ये देखें मैंने किस तरह से इसको काटा है। जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जो भी पॉलीथीन, मतलब जैसे आप दूध का प्लास्टिक होता है, चाहे जो भी आप कट करते हैं, उसको इस तरह से कट करें। क्योंकि जब इसको आप पूरी तरह से कट कर देते हैं तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, जिससे ये हमारे समंदर में, इधर उधर हमारे लैंडफिल में ये चले जाते हैं, और ये बहुत हानिकारक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए। तो आप इस छोटी सी चीज़ को अगर अपना लें तो हम बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये मैसेज मैं बात करते करते मुझे लगा कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो ये धनिया का सीड है। आप जैसे अभी धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो आप हाइब्रिड धनिया प्रेफर करें। जो हम अपने घरों से धनिया का सीड निकाल के लगा लेते हैं, कभी कभी तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कभी मैक्सिमम चांसेस, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। क्यों? उसका भी दो तीन रीज़न होता है, क्योंकि जिस शॉप से आया रहता है पता नहीं वो कितने दिन पुराना होता है, किस परिस्थिति में रखा रहता है, किस मॉइस्चर उसमें, कभी कभी वो फुली ड्राई नहीं होता है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसलिए किसी भी सीड वाले शॉप से या नर्सरी से आप ये धनिया सब जगह अवेलेबल है, तो इस तरह के सीड लाएं और इसको जर्मिनेट करें। क्योंकि ये सीड ट्रीटेड होते हैं, ट्रीट किए गए होते हैं, इसलिए इसके ख़राब होने की संभावना बहुत कम होती है। आप देखें इसके सीड कैसे दिखते हैं, मैं दिखा रही हूँ। ये देखें ये धनिया के सीड हैं, और आप देखेंगे हम जो नॉर्मल धनिया यूज़ करते हैं घरों में, उसके सीड बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इससे डबल होते हैं, लेकिन ये धनिया थोड़ा छोटा छोटा है। और आप जो ये रेड कलर देख रहे हैं, ये ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए इसमें ये रेड कलर ऊपर में आपको दिख रहा है। अब इसको लगाना कैसे है, तो आप चाहें तो इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, लेकिन मैं कुछ इस तरह से लगा देती हूँ इसको, ताकि वो हमारा, देखें इस तरह से हमने एक वो बना लिया। और मैं इसे क्रश नहीं कर रही हूँ, जो हम घर में जो सीड लेते हैं उसको मैं हल्का सा क्रश कर लिया जाता है, जिससे ये दो दो टुकड़ों में बट जाए, क्योंकि वो बड़े सीड होते हैं और उसको क्रश करने से वो आसान हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम इसे क्रश करते हैं, चूँकि छोटे सीड हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं। देखें आप यहाँ पे देखें, ये हाफ सीड ये दिख रहा है, इस तरह से क्रश करने के बाद ये दो टुकड़ों में बट जाते हैं और इसमें से दो प्लांट निकलते हैं, हाफ पोर्शन ये और हाफ पोर्शन ये, दूसरा पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये, इस तरह से क्रश करने पे इस तरह से टूट जाते हैं। अगर ये
इस तरह से ना टूटे, और आप ज़्यादा प्रेशर लग गया तो वो आपके सारे के सारे सीड्स ख़राब हो जाएंगे और वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपकी इतनी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो देखें कैसे इसको करना है। चूँकि अभी सीज़न बहुत अच्छा है इसलिए मैं इस तरह का ट्रिक अपना रही हूँ, अदरवाइज़ इसको आप अगर पानी में भिगो लें 12 घंटे के लिए तो और आसान हो जाता है, टाइम बच जाता है। तो अभी एक सप्ताह का टाइम है जिसमें आप आराम से अभी धनिया फटाफट से लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है, बहुत घने घने ना डालें। इसी तरह से मैंने इसे भी उगाया है, इस तरह से कर दिया हमने। देखें हमने अपने सीड को अच्छे से जमा दिया है। अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट जो हमारा था वो थोड़ा सा लेयर हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि इसको अच्छे से वर्मी कंपोस्ट से ही मैंने कवर कर दिया है। बस अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने का भी तरीका है, और हाँ इस सीड को ज़्यादा डेप्थ में नहीं लगाना है आपको, अदरवाइज़ ये जर्मिनेट नहीं होगा और कहीं आपको ये सीड दिखने भी नहीं चाहिए, ये अंदर होने चाहिए। तो इस तरह से हमने कर दिया, पतली सी लेयर डाल दी। अब पानी हमेशा, या फिर आपके पास स्प्रिंकलर है उससे दें, या फिर हाथों से ही दें, क्योंकि ये सीड बहुत छोटे बहुत नाजुक होते हैं तो इधर उधर डिस्प्लेस ना हो। इसके लिए आपको पानी का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, और इसको फुल सन में रखें, पूरे धूप में ही ये जर्मिनेट होगा। और जब आपके प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाएं उसके बाद आप चाहें तो उसको पार्शियल सेड में रख सकते हैं। इसको जर्मिनेट होने में थोड़ा, ये स्लो जर्मिनेट करता है इसलिए इसको जर्मिनेट होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत अच्छा है। कभी कभी जहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा कम हो वहाँ पे आप एक महीने की राह देखेंगे, क्योंकि ये कभी कभी एक महीने भी ले लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि परेशान होकर आप बोलें कि मेरा धनिया शायद ख़राब हो गया है, वेट करें। और ये हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया था इसलिए अभी हमें इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मैंने उसके बाद से इसमें एक बार भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। अब मैं वेट कर रही हूँ, ये मेरा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। जब मैं पहली हार्वेस्टिंग इसमें करूँगी तब मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इस पर डाल दूँगी और पानी डाल करके उसको छोड़ दूँगी। और इसी तरह से आप तीसरे टाइम जब इसका हार्वेस्ट करें उसके बाद सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। और जब आप तीन बार इसकी हार्वेस्टिंग कर लें तो फिर इसको रूट से निकाल करके दूसरा सीड सो कर दें, अगर आपका टेम्परेचर अच्छा है तो। इसमें किसी तरह के पेस्ट मैंने अभी तक तो नहीं ही देखे हैं, लेकिन अगर पेस्ट लगता है तो नीम ऑयल स्प्रे करें, या होममेड, मैं टाइम टाइम पे आप लोगों को बताती रहती हूँ, तो होममेड पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल करें क्योंकि हम इसको अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे भी मैं हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही कुछ उगाना पसंद करती हूँ, और आप लोगों को भी कहती हूँ कि हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही अपना जो भी प्लांट है वो उगाएं। मैंने कुछ और जगहों पे भी धनिया सेम टाइम पे ग्रो की थी, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ देखें। और आप लोग पूरे मार्च धनिया उगा सकते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप देखें यहाँ पर मेरे धनिया इसमें बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स डाल दिए थे, अभी कुछ छोटे हैं कुछ बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से और भी कुछ जगह हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आपके कोई बड़े पेड़ हैं उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने कुछ सीड, इधर ही कुछ दिनों पहले सीड यहाँ पर स्प्रिंकल किया था, तो ये देखें छोटे छोटे धनिया मेरे तैयार होते जा रहे हैं। तो जगह ना हो तो इस तरह का भी काम आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।